मिडल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। इसराइल जो है वो अब गजा के बाद वेस्ट बैंक को निशाना बना रहा है और वेस्ट बैंक में जिस तरह की कार्रवाई पीछे दो दिनों में हमने देखी है, वैसे अब कहा जा रहा है कि अभी तक तो जो इसराइल के टैंक थे वो सड़कों पर वेस्ट बैंक के दौड़ रहे थे, लेकिन अब हवाई हमले भी वहाँ पर तेज हो गए हैं चुन चुन कर। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कट्टरपंथी है यानी चरमपंथी है उनको ढूंढा जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसके क्या परिणाम भी आगे देखने को मिल सकते हैं इस पर भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मयंक, वेस्ट बैंक में लगातार कार्रवाई जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि गजा के बाद अब निशाने पर वेस्ट बैंक है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के चरमपंथी है और इसराइल कह रहा है कि इनको ढूंढा जाएगा। देखिए, वेस्ट बैंक में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा हमला इसराइल ने किया है और जैसा कि आप बता रहे हैं, वेस्ट बैंक की सड़कों पर टैंक्स हैं, इसराइल की फोर्सेस हैं, यहाँ तक कि अब एयर स्ट्राइक भी वेस्ट बैंक में शुरू हो गई है और ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है नीलू कि अब ये पूरी लड़ाई जो है ये किस तरफ जा रही है। देखिए, इसराइल का कहना ऐसा है कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं या जो चरमपंथी संगठन हैं वो लगातार इसराइल को निशाना बना रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हमास के बहुत सारे जो लड़ाके हैं वो वेस्ट बैंक की तरफ भी मूव कर गए हैं और वेस्ट बैंक से हमास और हिजबुल्ला दोनों ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से इसराइल को ये लग रहा था कि वेस्ट बैंक से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, अभी नीलू, इस वेस्ट बैंक पे इस समय ये जो बड़ी कार्रवाई हुई इसराइल की, इसकी एक बड़ी वजह जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा तेल अवीव में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, एक सुसाइड हमला हुआ था जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक शख्स ने जो है वो एक्सप्लोजिव भर के ट्रक में जो है ब्लास्ट कर लिया था। ये जो घटना तेल अवीव में हुई, इसके बाद इसराइल ने जो है वो अचानक बड़ी मंथन शुरू हुआ कि भाई आखिर अब इसराइल की राजधानी अगर जो है वो निशाने पर आ जा रही है तो इसकी क्या वजह है। तो इसी की जाँच के दौरान ये बात जो है सामने आई है, बताया जा रहा है कि वेस्ट में जो फिलिस्तीनी संगठन हैं इनकी तरफ से एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी जो लगातार पिछले कुछ महीनों से इसराइल को निशाना बना रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जो हमास के लड़ाके हैं या जो हिजबुल्ला है ये फिलिस्तीन के जो संगठन काम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में इनको बैकअप कर रहा था। ये बड़ी वजह एक मानी जा रही है जिसके चलते इसराइल ने यह हमला किया है और अभी जो लेटेस्ट अटैक है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ मकानों पर जो है वो इसराइल की फोर्सेस ने हमला किया, एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। कहा गया है कि इस मस्जिद में जो है वो करीब 5 फिलिस्तीन के जो लड़ाके थे वो मारे गए हैं और इसराइल का कहना ऐसा है कि ये वो लोग हैं जो कि लगातार इसराइल को निशाना बना रहे हैं और हथियार जो है वहाँ छुपाए गए थे और यहाँ पे बड़ी प्लानिंग हो रही थी। तो कुल मिला के वेस्ट बैंक में एक एक घर की तलाशी चल रही है, कौन कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे हथियारों का ठिकाना है, क्या वाकई वहाँ पे किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही, इसको लेके एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो इसराइल ने छेड़ दिया है। बिल्कुल, लेकिन अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए तो जो वहाँ के नागरिक हैं उनका कहना है कि इसराइल जो है वो मतलब जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और वहाँ पर वो हमास के लड़ाकों को नहीं ढूंढ रहा है या फिर चरमपंथियों को नहीं ढूंढ रहा है बल्कि वहाँ के बच्चे और औरतों को निशाना बना रहा है, ऐसा कहना है वहाँ के संगठन का। खास तौर पर जो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है उनका कहना है कि अगर इसी तरह से इसराइल अपनी कार्रवाई करता रहा तो फिर वो इसको लेकर सामने आएंगे और फिर कोई बड़ा युद्ध अपनी तरफ से वो छेड़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेले होंगे बल्कि इस बार और ज्यादा ताकत के साथ जो ये जो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है वो आगे निकल कर आएगा और इसराइल पर हमला करेगा। देखिए, अगर जो ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की बात की जाए, एक बड़ा संगठन है वहाँ पर, कहते हैं कि हमास के बाद खास तौर पर एक सबसे बड़ा संगठन वहाँ का कहलाता है। अब ऐसे में अगर इसने कह दिया है कि अगर वो अपने हमले यानी कि इसराइल अपने हमले वहाँ पर नहीं रोकता है और लगातार लोगों की जानें वहाँ पर जाती हैं तो फिर इसका बदला लेंगे और ये बदला काफ़ी बड़ा होगा मयंक, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि सीरिया के भी लड़ाके होंगे, ईरान समर्थित लड़ाके भी होंगे और इसके अफगानिस्तान प्रॉक्सीज जो होंगे, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। देखिए, जो हाल गाज़ा में हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने से, अब ऐसा लगता है कि वेस्ट बैंक में भी कुछ इसी तरह से हालात होने जा रहे हैं और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसा हिजबुल्ला कह रहा है, हमास कह रहा है या फिलिस्तीन के लड़ाके कह रहे हैं, साथ में अब जो है बीच में तालिबान की भी बात सुनने में आई थी, तो देखिए ये पूरे संगठन जो हैं वो इसराइल के खिलाफ एक होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके में जो है एक बड़ा जो एक डायरेक्ट वॉर की बात हो रही थी वो तो फिलहाल
नहीं हो रहा है, ईरान उसमें एक कदम पीछे है फिलहाल, लेकिन ये जो प्रॉक्सीज हैं इन्होंने एक बड़ा जो है युद्ध छेड़ रखा है इसराइल के खिलाफ। अब ये जितने संगठन हैं अगर ये एक होते हैं और इसके बाद जो है वो एक बड़ा जो है लड़ाई एक बड़े रूप बड़ा रूप लेती है तो देखिए ये पूरे क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में जो हमने गाज़ा में देखा, जिस तरह से गाज़ा में बताया जा रहा है कि पिछले 10 महीनों में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई है गाज़ा में और करीब 93,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, तो ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो वेस्ट बैंक में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब वेस्ट बैंक में देखिए जब इसराइल ऑपरेशन वहाँ पर कर रहा है तो इसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं, वहाँ पर भी फायरिंग हो रही है, तो कुछ लोग जो वहाँ के फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं वो भी इसमें जो है वो इसके निशाने पर आ जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है जो हालात गाज़ा में हमें देखने को मिले, जो तस्वीरें गाजा से देखने को मिलती हैं, वैसी ही तस्वीर वेस्ट बैंक से भी अब सामने आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए ये एक दूसरा बड़ा बड़ा फ्रंट है जिस पे जो है, और देखिए दूसरी तरफ ये है कि हिजबुल्ला ने जो है वो भी ऐलान कर दिया है कि भाई अगर वेस्ट बैंक में इस तरह से ऑपरेशन चलता रहा तो उस जो हमले लेबनान से हो रहे थे इसराइल पे वो और बढ़ा दिए जाएंगे। बिल्कुल, और एक बात और सामने आई है, अब इंतिफादा, इनका एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है बगावत करना। अब जिस तरह से वेस्ट बैंक में हमले हो, हालांकि हमास का कहना है कि 10 महीनों के युद्ध के बाद भी गजा और हमास उसी तरह से खड़ा है और हमास के लड़ाके लगातार इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि कहा यह जा रहा है कि जो हिजबुल्ला है और इराक के सबसे बड़े अरबईन मार्च, कहा जा रहा है कि ईरान भी अब थोड़ा वेट कर रहा है, एक अरबईन मार्च वहाँ पर निकाला जाता है, उसके बाद शायद ईरान समर्थित लड़ाके हैं वो भी इस लड़ाई में कूद जाएंगे, यानी ईरान की एंट्री कहा जा रहा है कि अरबईन मार्च के बाद हो जाएगी जो उसके लड़ाके हैं, जो उसके समर्थित लड़ाके हैं। तो यानी वेस्ट बैंक में हमला इसराइल के लिए खतरा, क्योंकि अब यहाँ से सारे जो संगठन हैं और जितने खास तौर पर इस्लामिक संगठन हैं वो एकजुट होते यहाँ पर माइन दिखाई दे रहे हैं। नीलू, ऐसा लगता है कि जो एक्सपर्ट्स पहले ये अंदेशा जता रहे थे कि ईरान वर्सेस इसराइल युद्ध सीधा हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, और अब ये जो पूरा संघर्ष जो है ये ऐसा लगता है कि प्रॉक्सीज वर्सेस इसराइल का इसने रूप ले लिया है, और जितने संगठनों के आपने नाम लिए ये एक प्रकार से सब एकजुट हैं और सब मिल के बहुत ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। और देखिए इनके पास जितने संगठन हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुती हो, इनके पास जो है हथियारों की भी कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में इनको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये हथियार ईरान की तरफ से मिल रहे हैं, कहा जा रहा है रशिया की तरफ से मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र हो रहा है, तो देखिए इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो इस पूरे एरिया में, चाहे हम गाजा की बात करें, चाहे अब वेस्ट बैंक की बात करें, ये पूरे दोनों ही इलाकों में संघर्ष अब एक लंबा जो है वो किस्ता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जहां तक ईरान का सवाल है तो ये अभी भी एक बड़े सोचने की बात है कि क्या ईरान सीधा युद्ध में इन्वॉल्व होगा या सिर्फ प्रॉक्सीज की मदद करता रहेगा। लेकिन मयंक, यहां जानकार ये भी बता रहे हैं कि अब तक जो गाजा में हमले होते रहे वो तब तक तो ठीक था, लेकिन वेस्ट बैंक में जिस तरह के इसराइल हमले कर रहा है वो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी कर सकता है। देखिए लेबनान में जो एयर स्ट्राइक की हिजबुल्ला के ऊपर इसराइल ने, कहा जाता था कि करीब 50 फाइटर जेट्स जो थे उसने एयर स्ट्राइक करी, तो बड़ा नुकसान हुआ हिजबुल्ला को। और उसके बाद जो है, जैसे जिस तरह से इसराइल का कहना था कि भाई हिजबुल्ला ने जो है वो उसके 10 शहरों पर हमला करने का प्लान बनाया था, 6,000 रॉकेट से हमले होने वाले थे, उसके बाद 325 रॉकेट से हमला हो भी गया, तो ये एक फर्स्ट फेज था। इसके बाद ये जो वेस्ट बैंक की लड़ाई जो है ये अब इस पूरे क्षेत्र में जो प्रॉक्सीज वर्सेस इसराइल है इसका ये सेकंड फेज हम इसको कह सकते हैं, और ये इसने जो इस पूरे इलाके को जो है इस वॉर को एक नया अब रूप दे दिया है, जो वेस्ट बैंक में फ्रंट खोल दिया है ये अब इसको एक नया रूप दे दिया है इसराइल ने। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि हिजबुल्ला की तरफ से कोई बड़ा पलटवार हो, या हो सकता है कि हमास जो है वो अपनी तरफ से जो है इसराइल के ऊपर रॉकेट्स या ड्रोन से हमले हो। और खबर ये भी आ रही है कि यूएन ने कहा है कि ये बिल्कुल, मतलब जिस तरह से इसराइल वहाँ पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, ये अमानवीय है, इस तरह की बातें भी यूएन ने अपनी तरफ से कही है। और वहाँ पर जो रसद यूएन खासतौर पर गजा के क्षेत्रों में भेजता है उसे भी रोक दिया गया है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब यूएन ने भी कह दिया है कि भाई जो वेस्ट बैंक में कार्रवाई आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसे बंद करिए आप। देखिए इसमें ये तो है कि गाजा में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो वेस्ट बैंक से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये वहाँ पे कैजुअल्टी तो हो रही है, आम लोग जो हैं इसका निशाना बन रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। इसराइल का कहना है कि वो आतंकियों को निशाने पे ले रहा है, उन्हें ख़त्म कर रहा है, लेकिन जब इस तरह की क्रॉस फायरिंग्स होती है या इस तरह की एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो उसमें आम नागरिक भी निशाने पे आते हैं। अच्छा नीलू, एक दूसरी बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि इस सवाल का एक और जवाब कि भाई इस समय वेस्ट बैंक कार्रवाई क्यों, हमने एक वजह तो आपको बताई, दूसरी जो एक बड़ी वजह जो है जो कि कुछ एक्सपर्ट्स कह
कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से गाज़ा के साथ इज़राइल का गाज़ा पे जो रुख है, हमास के साथ जो युद्ध हो रहा है और हिज़्बुल्लाह के साथ जो युद्ध हो रहा है, इसके बाद इज़राइल के अंदर एक बड़ा सा अनरेस्ट है नेतन्याहू के खिलाफ, जो वहाँ की जनता है वो इस युद्ध से परेशान भी है कहीं ना कहीं। तो इज़राइल जो है उसके जो उसके दक्षिणपंथी नेता हैं, कई ऐसा बड़ा ग्रुप है नेताओं का जो ये चाहता है कि इज़राइल इस पूरे वॉर में अब एक कदम आगे चले और बजाय इसके कि हमास या हिजबुल्ला से हमले हो रहे हैं उनको डिफेंड करे या उनके हमलों के बाद अटैक करे, उससे बेहतर है कि एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और सामने वाले जो दुश्मनों की ज़मीन है उस पर कब्जा किया जाए और या वहाँ से दुश्मनों को हटा लिया जाए। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इज़राइल ने जो वेस्ट बैंक पे हमला किया है ये उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो अब इसका परिणाम क्या होता है, ये आने वाले कुछ दिनों में जो है इस पूरे युद्ध को, इस एरिया को किस तरफ ले जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे वो गज़ा या फिर लेबनान या फिर अगर बात की जाए खासतौर पर वेस्ट बैंक का इलाका, लोग मर रहे हैं और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि बार बार इसराइल को घेरा भी जाता है, हर एक प्लेटफॉर्म पर जानकार भी बताते हैं कि वो अपनी मनमानी करता है, हालांकि इसराइल यही बार बार कहता है कि हम अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कैजुअल्टी होती है, क्योंकि देखिए हमले तो आगे आने वाले दिनों में हम देखते ही रहेंगे किस तरह के हमले होते रहेंगे, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है उससे अगर ये तमाम संगठन मिल जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे वो इसराइल का हो या तो फिर उधर से अगर हमला होता है तो फिर गज़ा, फिर लेबनान या फिर वेस्ट बैंक में भी इस तरह के नुकसान देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर कुछ घंटे कुछ दिन में। बिल्कुल आप जो ठीक कह रहे हैं, अंदेशा बिल्कुल ये जताया जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में ही, हमने पिछली बार भी ये बात कही थी कि बड़ा हमला हो सकता है और देखिए वही हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हमला हो सकता है उसके अगले दिन ही बल्कि रात को ही बड़ी स्ट्राइक हुई और अब फिर से एक बार ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है इसका बड़ा बदला लेने के लिए हमास की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से या शायद हूती की तरफ से भी अगले एक दो दिन के अंदर देखिए इसराइल के ऊपर कुछ बड़ा अटैक जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है गजा के बाद वेस्ट बैंक में, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वहाँ पर हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। उनका कहना है कि वो कोशिश वही कर रहे हैं कि जो वहाँ पर हमास के जो कि लड़ाके हैं उनको ढूंढा जाए, लेकिन इस दौरान शहर के लोगों की भी कैजुअल्टी हो रही है, जिसको लेकर अब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो किस तरह से ये मामला और आगे बढ़ेगा, किस तरह से बार और पलटवार होगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।